गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और गोवा का आज हमारा फोर्थ डे है। आज हम खुद से ही जा रहे हैं, यहाँ पे सामने एक बीच है। तो अभी कितने बजे मानो, कितने बजे, 1:15 बज रहे हैं। तो अभी हम बीच पे चलेंगे और वहाँ पे मतलब शाम तक रहने का मतलब मन है कि कल तो हमें वापस जाना है। तो 2 दिन घूम के भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो सुबह हमें कहीं और जाने का प्लान था, लेकिन इतना ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, थकान हो रहा था कि मतलब बाहर जाने का कैंसिल कर दिया। और बीच पे हम बैठेंगे, वो वहाँ पे हम थोड़ा बैठ के फिर खाना वाना वहीं पर खाएँगे जहाँ हम पहले दिन गए थे रात को, उसी जगह पर हम जा रहे हैं। और जो 2 दिन तक हम घूमे हैं वहाँ पे कुछ भी लेने का नहीं था, मतलब सिर्फ जूते चप्पलों के दुकान और कुछ लेने का था कि हाँ बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं मिला। और जब हम पहले दिन यहाँ पे रात को गए थे ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे दुकान थे, मतलब ठीक है, लेने लायक है। तो शाम को हम शॉपिंग करते हुए फिर घर आएंगे। और यहाँ पे स्कूटी रेंट पे भी मिलती है, आप अगर रेंट पे लेंगे तो शायद घंटे के हिसाब से वो मतलब पेमेंट लेगा। तो मेहमानों को कह रही कि थोड़ा सा घूम के आओ, तो कह रहे अकेले कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा मार्केट वार्केट यहाँ वहाँ घूम के थोड़ा सा आ जाना, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा कि स्कूटी लेके यहाँ पे है घूमे हैं। तो और बाहर का मौसम देखिए कितना बढ़िया है, और सुबह से बारिश हो रहा है टिप टिप करके, मतलब ये नहीं कि बहुत तेज हो रहा है, बहुत हल्के हल्के सुबह से बारिश होए जा रहा है। तो देखिए, और अच्छा है ऐसा मौसम अगर रहेगा तो बाहर बैठ के बीच पे बैठ के अच्छा लगेगा, पूरा धूप में इतनी देर बैठा भी नहीं जाता है। तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो नीचे आज बुफे में था पोहा था और ब्रेड टोस्ट था और उबले हुए अंडे और चाय। तो नाश्ता वास्ता करके फिर आराम से हम मतलब तैयार हुए हैं। और ये जो कपड़े हैं ये मेरा पुराना है, नया नहीं है कुछ, और यहाँ पे मानो हो गई है तैयार। और ये जो गुब्बारे हैं ना, ये कल एक एक करके रात को फूट रहा था, और 2 बलून जब फूटा ना तो एकदम से अचानक से हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा हम डर गए थे एकदम से। तो मानो रात को ठीक है 4:30 नहीं तो ये फिर रात को अपने आप ही मतलब फूटता रहेगा, तो हम मतलब डर लगेगा। तो नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके आज हमें पूरा दिन वहाँ पे बैठे रहना है, कहीं और तो हमें जाना नहीं है, बस बीच पे बैठना है। और आते टाइम शॉपिंग करते हुए जो भी छोटे मोटे जो भी चीज़ मिले, बच्चे मतलब खुश हो जाए, एक एक सामान लेंगे। सन्नी, आर्यन, कनिका और एक आर्यन फ्रेंड है, 2 आर्यन है, सन्नी, कनिका और बाबू, और मानू को भी लेना है अपने दोस्त के लिए, और मुझे लेना है मेरे फ्रेंड मंजू दीदी के लिए। क्या लूँगी नहीं पता, तो वो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, हमें यहाँ से जाना है नीचे से, और थोड़ा सा आगे जाके ना ऑटो वगैरह मिलेगा, तो आते टाइम स्कूटी में आएंगे। उस दिन अच्छा लगा था, मज़ा आया था। और देखिए टप टप बारिश गिरे जा रहा है। मास्क पहन के, मास्क उतारो। ये यहाँ का लोकल मार्केट है, और ऑटो हमें यहीं से मिलेगा। जहाँ हम कल गए थे बहुत ही खाली था, बीच पे तो बिल्कुल ही लोग नहीं थे। पहले दिन तो कम से कम बीच पे काफ़ी लोग थे, और एक ऑटो खड़े हैं
पूछते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। मौसम देखिए कैसे हो रखा है, पूरा आसमान काला दिख रहा है चारों तरफ। और हमें भी ऐसा ही मौसम चाहिए था, कल बहुत ज़्यादा धूप था। देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, और कल तो बिल्कुल भी लोग नहीं था। आप लोगों ने भी देखा यहाँ पे तो दोनों तरफ, और यहाँ पे हम बैठे थे उस दिन। तो आज अगर बारिश होगा ना तो एक जगह पे तो छतरी डाल के वहाँ पे बैठे हैं, तो वो वहाँ पे बैठूँगी ताकि बारिश भी हुआ तो हम आराम से बैठ सके। मानू पकड़ो, मैं स्लिप कर जाऊँगी। हाँ बरसात के मौसम में होता है। पानी की इतना तेज आवाज़ है ना, शायद मुझे नहीं लगता है कि मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो ये देखिए, तो उस दिन तो हम भीगने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आप आज आराम से सोच के आए। और ये देखिए काले बादल उड़ रखे हैं, तो ऐसा है व्यू इसका। और बूंदे पड़ना शुरू हो चुका है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा बूंदे गिर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक पेड़ देखने को मिलेगा, वहाँ पे फोटो खींचने वाले हैं। उस दिन अंधेरे में अच्छा नहीं आता फोटो, इसलिए नहीं खींचा। और ये देखिए मानू का फोटो शूट हो रहा है, सारे ये झीनों की है। अभी हम बैठे हैं बीच पे, और जब हम आए थे ना इतना तेज बारिश हो रहा था कि पूरा हम गीला हो चुके थे, और ऐसे हम बैठे थे। तो 15 मिनट तक हम यहाँ पे वेट करते रहे, और बारिश बिल्कुल भी कम भी नहीं हुआ और बंद भी नहीं हुआ। तो 15 मिनट बाद हम सोचे कि इतना बारिश में पूरा गीला हो चुके और कितनी देर तक मतलब बैठे रहेंगे, और कुछ खाना भी नहीं, मतलब बारिश में बैठ के तो खाना भी खाने का मन नहीं करता है। तो हम वापस जा रहे थे कि चलो शॉपिंग करते हुए हम रूम में चले जाएंगे। और जैसे ही एक दो शॉप पे गए, उसके बाद 10 मिनट बाद बारिश बिल्कुल बंद हो चुका है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है, और यहाँ पर बहुत आराम से सब लोग घूम रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए, देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो कोई नहीं था यहाँ पे, बस दो तीन फैमिली था। और ये बाद में फिर सब आ गए। और अभी बारिश होने की वजह से ना ये पानी का जो बहाव है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं ना, खड़े हैं यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं, इन्हें ये यहाँ पे एक कार में यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो लाइफ गार्ड है, वो मना करे जा रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं कि ऊपर आ जाइए ऊपर आ जाइए, बट ये नहीं सुन रहे। तो वही मैं बोल रही मानू को कि एक दो बार मना करने के बाद कैसे लोग नहीं सुनते हैं, और वो भी अब हमारे अच्छे के लिए ही तो बोल रहे हैं। अभी हम आए हैं और लंच वगैरह ऑर्डर किया है, प्रॉन्स सेजवान नूडल्स, और हमने एक चिकन मंचूरियन। तो अभी खाना वाना आ रहे, और कपड़े भी आधा सूख चुका है क्योंकि हवा की वजह से कपड़े भी सूख गया है। तो अभी हम, अगर बारिश नहीं होते तो यहाँ पे हम शाम तक बैठेंगे, उसके बाद हम रूम में जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ के लोगों का जो नेचर है ना बहुत ही अच्छा है। मतलब इतना सॉफ्टली बात कर रहे हैं, और एक दो शॉप पे हम गए हैं और जैसे मानो को एक दो वर्ड अगर मैं बोल भी देती हूँ ना बंगाली, तो अभी जो हमें अभी खाना सर्व कर रहे हैं, जैसे एक वर्ड मैंने मानो को बंगाली में बोला तो कह रहे आप बंगाली हो, वेस्ट बंगाल से आए हो, कहाँ से, मतलब वही बंगाली भी काफ़ी है यहाँ पे। तो अभी हम लंच ऑर्डर किया है, खाना वाना खाते यहाँ पे आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करेंगे और थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना है लेके हम फिर रूम में चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा व्यू है, लेकिन काफ़ी देर हो गया ना खाना वाना खाने के बाद, तो मतलब ऐसा है कि एक पूरा नींद लेना चाहते थे ना, तो पूरा ले सकते थे, लेकिन अब हमें जाना है रूम में क्योंकि हमें थोड़ा सा ख़रीदारी करनी है। पूछू कल हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, और ये भी ये आ रहा है मेरी तरफ, देखिए ऐसे पूछ ला है, हेलो, और ये रहा मानो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये गोवा का ट्रिप हमारा पसंद, गोवा ट्रिप वाली जो ब्लॉग है वो पसंद आए होंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते अब हम रूम में जाके आप लोगों से बात करूँगी, और जो भी सामान लिया है वो मैं यहीं पे दिखा दूँगी। ये देखिए, ये देखिए मेरा पूरा गीला हो गया, कितना तेज, और मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि यहाँ से हम रूम में जाएं, लेकिन बहुत देर तक भीगे थे ना, तो बस हमें जाना है। अभी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा ना आप लोगों को,